आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारत में करोड़ों की जमीन के मालिकाना हक अगर पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों के नाम दाखिल हो जाएं तो ये चौंकना लाजमी है। तो ये जब मामला सामने आया तो क्या प्रतिक्रिया रही लोगों की, देखिए इस रिपोर्ट में। सरहदों के बंटवारे होने के बाद शत्रु मुल्क के नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता है तब तब भारत में सियासत गर्मा जाती है, लेकिन जब जिक्र मात्र से ही हंगामा खड़ा हो जाता है। अगर ऐसे में भारत में करोड़ों की जमीन के मालिकाना हक अगर पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों के नाम दाखिल हो तो चौंकना लाजमी है। गौर से देखिए इस जमीन को, जहां तलक नजर जा रही है वहां तक की जमीन भारतीय नागरिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे लोगों के नाम दाखिल है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी अभिलेख बोल रहे हैं। अब बात करते हैं इन सरकारी दस्तावेजों की। इनमें दर्ज भूस्वामी का नाम और निवास स्थान के कॉलम पर भारत की जगह पाकिस्तान का नाम दर्ज है। ये दस्तावेज पाकिस्तान के नहीं बल्कि यूपी के कानपुर देहात जिले के कुछ अलग अलग भूमि गाटा संख्या के हैं। हैरत की बात ये नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं, बल्कि अरसे पहले मुल्क छोड़ चुके ये लोग आज भी यहाँ करोड़ों की जमीन के मालिक बन बैठे हैं। वही ताजा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार मुल्क के नाम पर पाकिस्तान का नाम दर्ज है। दरअसल कानपुर देहात में अकबरपुर तहसील के 12 गांव इस वक्त सुर्खियों में इसलिए है कि सरहदों का बंटवारा होने के बाद भी यहाँ के रहने वाले लोग पाकिस्तान में जा बसे और बंटवारे के बाद उनका यहाँ आना जाना भी संभव नहीं हुआ। हम ये भी नहीं जानते हैं कि सभी लोग अब तक जीवित है भी कि नहीं, लेकिन उनके नाम पर जमीनें अभी भी हैं और ये जमीनें लावारिस पर ही हैं। इस संपत्ति का जो कस्टोडियन होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनका एक रीजनल ऑफिस लखनऊ में भी है, हेड ऑफिस इनका मुंबई रहता है। तो वहाँ पे कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज को हम लोग पत्राचार करके जो भी ऐसी जमीन है हम लोग सब लिस्ट करके भेज चुके हैं और उनसे हमें वापस पत्राचार प्राप्त भी हुआ है। इस प्रकरण में मुझे ये बताना। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के निवासियों की जमीन भारत में भी मौजूद है और ये कुछ लाख की नहीं बल्कि करोड़ों की है, जिसका ये मामला सामने आने के बाद सभी हैरान हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।